सिंघम के बाद सिंघम अगेन बनी, उसके बाद सिम्बा बनी, फिर सूर्यवंशी बनी और अब रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की पांचवी मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है सिंघम अगेन, यानी एक रीमेक से शुरू हुआ सिलसिला फाइनली ओरिजिनल कॉप यूनिवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। बहरहाल इस मूवी की फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और मूवी के मुहूर्त के मौके पर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने, अजय देवगन ने, रणवीर सिंह ने बाकायदा पूजा की और इसका प्रॉपर शूट भी स्टार्ट कर दिया। साल 2011 में इस जर्नी को स्टार्ट मिला था, बाद में रणवीर सिंह अक्षय कुमार ने एंट्री मार दी और कहा जा रहा है सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण भी लेडी कॉप का रोल प्ले करेंगी। इसके बाद और भी यूनिवर्स बनने वाले हैं लेकिन वो छोटे पर्दे के लिए बनेंगे या फिर ओटीटी के लिए। मजेदार बात यह कि इस पूरे मुहूर्त शॉट में अक्षय कुमार मौजूद नहीं थे बिकॉज उनकी शूटिंग विदेशों में चल रही है और उन्होंने यूनिवर्स के जरिए अपने आप को खुद कनेक्ट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल दी, कहा कि फोटो में मौजूद नहीं हूं लेकिन आत्मा उनकी मौजूद है, यानी वहां पर स्प्रिट के तौर पर वो वहां मौजूद है। बहरहाल जो उनका शॉट था वो शायद इस सीन में नहीं होगा, इसलिए स्टार्टिंग के शॉट में रणवीर सिंह को और अजय देवगन को देखा गया, यानी मूवी की कहानी का एक बेसिक प्लॉट या बेसिक सीन तो खुल जाता है जहां पर ये बात मालूम पड़ती है कि अक्षय कुमार के अलावा रणवीर अजय देवगन के काफी सारे सीन होंगे जैसा कि सिम्बा में दिखाया गया था। बाद में अक्षय कुमार की एंट्री होती होगी बतौर सूर्यवंशी। बहरहाल कहानी के प्लॉट की जो हिंट है आपको सूर्यवंशी में मिल चुकी थी जहां पर सिंघम खुद कहते हैं कि पाकिस्तान आ रहा हूं मैं, यानी मामला इंडो बॉर्डर पाकिस्तान का होगा। इस बार थोड़ा मामला एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लेकर भी कवर किया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, बहुत टाइम से गॉसिप चल रही थी सिंघम कब स्टार्ट होगी, गोलमाल पहले आएगी या फिर सिंघम पहले आएगी। अब फाइनली क्लियर हो चुका है कि पहले सिंघम अगेन स्टार्ट बनेगी, इसके बाद जाकर गोलमाल फ्रेंचाइजी का नंबर आएगा। तो कॉप यूनिवर्स की पांचवी मूवी के लिए रोहित शेट्टी को बधाइयां और उम्मीद करते हैं रोहित शेट्टी की पिछली मूवी सर्कस भले कमाल न कर पाई हो लेकिन कॉप यूनिवर्स के तौर पर वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी देंगे। और अब जो पांचवी यूनिवर्स वाले पार्ट में बहुत सारे एक्टर आएंगे, दीपिका पादुकोण भी जवान के बाद हॉट प्रॉपर्टी बन चुकी हैं, अक्षय कुमार अजय देवगन हमेशा आपस में हॉट लगते हैं, प्लस रणवीर सिंह की कॉमिस्टिक कॉमेडी होगी, तो कुल मिलाकर सिंघम अगेन की शूटिंग पब्लिक के लिए, सोशल मीडिया के लिए और बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक मैसेज है। उम्मीद करते हैं मूवी जल्दी कंप्लीट होगी और पब्लिक को बहुत ही लार्ज लेवल का कॉप यूनिवर्स इंटेंस एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।